सारण लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के की जीत के लिए आज उनके भाई तेजस्वी यादव सोनपुर विधानसभा के डाक बंगला मैदान में पहुंचे हैं और यहां पर बड़ी संख्या में जो हैं आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव की एक झलक पाने को लेकर के वो आतुर हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग किया गया है और पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो भीड़ है वो अनियंत्रित ना हो और आगे ना आए। और लेकिन बावजूद इसके जो बड़ी संख्या में जो युवा हैं लगातार तेजस्वी यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इन तमाम नारों के बीच लोगों का कहना है कि एक बार रोहिणी आचार्य को यहां से मौका मिलना चाहिए। जिस तरह राजीव प्रताप रूडी यहां के सांसद हैं और सांसद रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं किया है तो उसको लेकर के जो है इनकी इन लोगों का कहना है कि एक बार जो है रोहिणी आचार्य को मौका मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं जो युवा हैं वो युवा यहाँ पर सारण बनेगा उदाहरण। नौकरी मतलब तेजस्वी, न्याय मतलब तेजस्वी, शिक्षा मतलब तेजस्वी, तीन नंबर पर बटन दबाएं रोहिणी दीदी को जिताए। तो ये तमाम जो स्लोगन लगे लोग पट्टा लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं और लोगों के बीच ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग भी इसे देखें वो रोहिणी आचार्य के प्रति आकर्षित हो और रोहिणी आचार्य के मत में वो समर्थन करते हुए उन्हें वोट दे। यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह का उन्हें जो है प्रतिनिधि चाहिए। कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। अशोक माथुर, इसलिए आप लोग यहाँ पे आई हैं? राम बाबू चौहान, हम लोग रोहिणी दीदी के लिए तेजस्वी जी के लिए आए हुए हैं राजद पार्टी से, राजद को जिताने के लिए जी। सांसद है वो क्षेत्र में काम, जैसे कि लालू जी भी बहुत काम किए हैं, हम लोग को सबलपुर दियर से हम लोग आए हुए हैं। अखिलेश यादव जी महिला कैंडिडेट है रोहिणी आचार्य, महिलाओं का कैसा समर्थन होगा? बहुत अच्छा समर्थन करेगी, बहुत अच्छा, इसीलिए तो हम लोग लगे हुए हुए हैं कि उन्हीं को जिताएं और लिया है कि हमारे गांव में घर जिला जवार में अच्छा काम हो, अच्छा पे हो। क्या लगता है कि रोहिणी आचार्य बाहर में रहती हैं सांसद बनने के बाद रहेंगी? रहती है ना, अब नहीं ना रहेंगे। अब जो आदमी काम कर रहा है वो कुछ बलबुत्ता के लिए लेकर न चल रही है तो यहाँ भी करेगी, वहाँ भी जाएंगे दीदी, यहाँ भी जनता लोग को देखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि जो महिलाएं हैं उन्हें पूरा विश्वास है कि जो रोहिणी आचार्य है अगर यहाँ पर वो चुनाव जीत करके आती हैं तो निश्चित रूप से वो विकास का कार्य करेगी। और भी कई लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। सर क्या लगता है कि आप लोग किसके समर्थन में यहाँ पे आए हैं और रोहिणी आचार्य को अगर समर्थन कर रहे हैं तो क्या आपके क्षेत्र में विकास कार्य होगा? बहुत बहुत विकास होगा, एकदम सारण उदाहरण बनेगा, एकदम। भारी मतों से जीतेगा एकदम आपकी। लगता है कि यहाँ का ये बदलाव होगा, परिवर्तन होगा यहाँ के साथ? बिल्कुल परिवर्तन होगा। 10 वर्ष के कार्य में राजीव प्रताप रूडी का कोई कार्यकाल नहीं है, खाली झूठा प्रचार करते हैं। इस बार रोहिणी आचार्य 2 लाख पार होगा वोट से। जैसा कि सुन रहे हैं जनता है वो भी बदलाव चाहती है, वो भी कह रही है कि बदलाव आवश्यक है क्योंकि राजीव प्रताप रूडी लगातार इस क्षेत्र से 2 बार से सांसद हैं लेकिन वो अब तक इस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किए हैं जिसके कारण अब लोग बदलाव चाहते हैं। देखिए मोदी जी कहते हैं कि एक उपचार नहीं है कि उन्होंने मूर्ख की स्वर्ण में बात करते हैं। हम लोग CPM, CPI, RSP, RJD और भाकपा माले इलेक्शन खुद हम हैं जो कि पूरे सारण की धरती पर हम लोग एक एक मजदूर किसान ठीक कर लिए हैं जो कि किसानों के साथ उन्होंने गद्दारी की है और जिसके कारण हम लोग एकजुट होके हमारे साथी तेजस्वी जी के हम लोग राज्य सरकार में उनको एक चटिया भोड़ते देंगे और रोहिणी आचार्य को सारण के धरती से हम लोग भारी बहुमत से जिताएंगे। इसको लिए हम लोग रात दिन एक करके हम लोग चाहते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि 400 पार हम उनको कहेंगे इस चले जाएंगे अपनी बार 2000 जो चुनाव हो रहा है ये चल जाएंगे गंगा के उस पार, 400 पार नहीं जाएंगे ये गंडक उस पार जाएंगे। ये पैमान
जो हैं पैमाने इनका हम लोग सब कुछ समझ गए हैं, एक एक जनता समझ गए हैं। कुछ कहेंगे सर? कह रहे हैं एकता नहीं है। एकता है सर, 100% एकता है। लगातार कहाँ दिख रहा है, मंच पर भी नहीं दिख रहा थे जैसे मंच अकेले पड़े हुए हैं। अरे सर एक ही बाहुबली है तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है, एक ही है इस बजरंग बली है। एक ही से लोग परेशान है, एक ही से परेशान है फिर दस का क्या जरूरत, अभी एक ही से लड़े उसके बाद में दस पहलवान का जरूरत। क्या लगता है तेजस्वी यादव अकेले हैं उनके लिए भारी पड़ेगा? बहुत भारी। कितना सीट आ जाएगा आप लोगों को? 40 का 40। 40 का 40 बिहार में 40 का 40 महागठबंधन। किसके बलबूते? क्या किसके बलबूते? तेजस्वी के बलबूते, महागठबंधन का बलबूते एकदम आ जाएगा। आ जाएगा 100%। तो जैसा कि सुन रहे हैं कि ये भाकपा माले के नेता हैं और इनका कहना है कि तेजस्वी के बलबूते, जो कि तेजस्वी अकेले पूरे एनडीए गठबंधन पर भारी हैं और उनके बलबूते बिहार की तमाम 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की यानी इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी सहित एनडीए पर हमला करते हुए कहा है कि अब की बार जो 400 पार का उन्हें नारा जो दिया गया है वो नारा पूरी तरह से गलत है और अब की बार एनडीए जो है गंडक पार चले जाएंगे। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।